हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? दुआ करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले जय श्री राम। और भाई लोग देखो कौन आया गांव से, उत्तरकाशी से। देखो भाई, तो भाई अचानक, क्योंकि परसों मैंने व्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि भाई ऐसे ही नहीं बनाया। और भाई तुम्हें मिलाना भी था उससे। भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। जय श्री राम। जय श्री राम दीदी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई अभी एक और आ रहा है, एक और लड़का आ रहा है। वो लड़का है बीमार, उसकी एक आँख काम भी। ऐसा मजाक कर रहे हैं। पर तो भाई मैंने परसों भी व्लॉग में बोला था, अभी देखते हैं हम लोग कहीं जाने का सोच रहे हैं अभी, ठीक है? और कहीं दूर का ही सोच रहे हैं। दीदी सही नहीं बोल रहे? कहीं दूर का अभी नहीं बताएंगे, क्यों है मोहित? जब तक तू इधर है क्यों? तो भाई अभी नहीं बताएंगे, लेकिन भाई सच बताऊँ तो वहाँ जाके भाई तुम्हें अगर कोई ज़्यादा परेशान है या कुछ भी है तो वहाँ जाके भाई एक नई राह मिलती है। मतलब समझ तैयार हो रहा मैं, समझा दूंगा बाद में। तो चलते हैं भाई, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, फिर बताते हैं भाई आपको। सो गाइस, कैसा लग रहा था हमारा भाई? थोड़ा क्यूट लग रहा था भाई, एक नज़र का टीका भेज देना, ठीक है? तो बाकी भाई तो कहाँ, अच्छा लग रहा। तो कल ही हेयर कटिंग कटाई थी, तो भाई बाल बुल कटाए, बाल छोटे छोटे करा लिए। तो अब और सोच रहा हूँ मैं पूरे छोटे करा दूँ, ना किसी को देखना है ना कुछ करना है, क्यों अपने उस पर ध्यान देना है। बाकी तो अभी देखो कुछ ऐसा है लुक ये, और ऊपर से कुछ ऐसा। तो भाई आज हम किसी को मिलने भी जा रहे हैं, बहुत पुराने दोस्त अपना, तो अगर मिल गया तो अच्छी बात है, बाकी बता देंगे आपको कहाँ जा रहे हैं। तो इस पे ना यार वो हो जाता है, स्वेटर पे ना पता क्या होता है, ये देखो ये बुगियाँ लग जाती है स्वेटर पे ना भाई, ये देखो। तो वही हटा रहा था मैं। तो चल रहे यहाँ से, चलते हम लोग, फिर बताते हैं आपको कैसे, ठीक है ना? तो गाइस अभी दिखा दो। हाँ भाई ठीक है, इधर की ओर क्या खड़ा है? भाई उधर जा रहा था, उधर हो रहा है खड़ा, अगला भाई इधर और क्या खड़ा। चल चल। तो गाइस मैंने गाड़ी इधर खड़ी कर दी थी, मोहित ओ बेटा अर्जेंट डिलो। हाँ भाई, ए मातली के दोस्त भाई, भाई कैसा है भाई, चश्मा भी लगा रखा? चल एक बार बता देते कम से कम। ऐसी फैशन का है यार। अच्छा, और अच्छा भाई का तो फैशन का है, ये कौन सा फैशन का है यार? तो भाई निकल रहे हैं अब हम लोग, ठीक है? और देखते हैं आज कहाँ जाएंगे, देखते हैं क्या प्लान बनता है। वो कुछ सही नहीं चल रहा है यार भाई, वैसे भी यहाँ देखो बेचारों की लाइफ में, मेरे खुद अकेले ही चले जाता हूँ। सो गाइस बहुत लोग इसको जानते होंगे, बीच वाले को तो जानते ही है, ये बीच वाला है, आए इसका नंबर भी मैंने उसी सेव कर रखा है, प्रशांत आए। तो भाई चल रहे हैं, आप देखते हैं। तो इसकी एक दोस्त है लड़की, इससे भी मिलेंगे, ठीक है भाई? तेरी पागल हो गया क्या भाई, मजाक कर रहा है। सो गाइस अभी देखते हैं भाई हम लोगों को कहाँ जाना है, अभी तो ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है तीनों भाई। और अभी इधर साइड घूम रहे हैं हम लोग, ये कौन सी है, पंडितवाड़ी साइड, वो FRI साइड जाएंगे, अगर सोच रहे हैं ऐसे FRI साइड जाने की, तो बाकी तो देख लेंगे कहीं। इसको देख जान, इसको देख। प्रसाद, अच्छा प्रसाद तो इधर है। सो गाइस तुम्हारे भाई को FRI से ज़्यादा लगाव हो चुका है लगता है, क्योंकि भाई हम दोबारा वहीं आ चुके हैं। यहाँ देखो ये कहाँ चल रहा है, देखो वो FRI पास भी था, और भाइयों ने थोड़ा काफ़ी टाइम से देखे भी नहीं, बहुत पहले आए थे। अरे यार भाई ऐसे नहीं कि देखा ही नहीं कि बहुत पहले आए थे, बोला अभी वो अंदर क्या मस्त है। तो भाई अब जाते हैं FRI साइड, दिखा तो रखा है तुम्हें, बाकी जो होगा दिखाने लायक वो दिखा देंगे, ठीक है? तो मिलते हैं भाई आपको। भाई तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है? और भाई आजकल भाई कहीं मन ही नहीं लग रहा है यार। अरे भाई साहब तुम ही चल लो भाई। तो भाई आजकल कहीं, ओए भाई इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ, आजकल कहीं मन ही नहीं लगता इधर उधर फालतू जाने जूने में। ये तो मेरा मजाक है, दोस्तों के साथ रहो, मन कैसे नहीं, ए मन लग रहा है, नहीं भी लग रहा होगा लगा देंगे। कब कब आया था भाई तू लास्ट टाइम? 69 में। अरे ये बेटा वहाँ देखो भाई, पोज बना दो उसकी तरफ, पोज है हिम्मत हिम्मत है। सो गाइस हम लोग बॉडीगार्ड के बीच में चल रहे हैं। फुल प्रोटेक्शन मिल रही है हमें इस टाइम, हमारे आगे पीछे बहुत ज्यादा।
प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बॉडी गार्ड है। जेड क्लास सिक्योरिटी, जेड क्लास में जेड क्लास, इसलिए इसलिए हो रहे देश बर्बाद। गाइस अफेयर आई, मैं अभी कुछ चेंज हुआ नहीं, जब चेंज होगा तो बता देंगे, क्योंकि अभी इसकी छत छुट निकल रही है, ठीक है, देख सकते हो। यहाँ की नहीं निकली, सोचो अभी तक यहाँ की एक भी निकली, वहाँ काम चल रहा है। और भाई वहाँ पे जो मैंने बोल दिया था बॉडी गार्ड टाइप के, भाई बॉडी गार्ड नहीं हो पहली बार, तो ऑफिसर लोग हों कोई पता नहीं है, लेकिन हमें भी नहीं पता कौन है, लेकिन कोई है। वो यहाँ पर लिख रखा है विजिटर नॉट अलाउड, नहीं भाई हमारे लिए अलाउड ही नहीं है। तो भाई ई बेटा वहाँ देख वो क्या है, मतलब क्या बोल रहा है, वाह मधुमक्खी हो कि वो चिड़िया का घोंसला है वो। अब आँख जिसकी हो जाती है ना आँख खराब है। तो तब क्या ही बोले, अच्छा सही में, हाँ यार बिल्कुल भाई बिल्कुल, वही भाई वही दिक्कत, सही बोल रहे हो। सो गाइस बहुत लोग यहाँ बस घूमने आते हैं या आस्की करने आते हैं, ठीक है, देखो जैसे पीछे देख सकते हो। लेकिन सबसे मेन है भाई जो कि एफ आर आई किस लिए जाना जाता है, क्यों फॉरेस्ट। सो गाइज भाई बता पहले क्या है एफ आर आई की फुल फॉर्म। एफ आर आई, हाँ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, हाँ यही है इंस्टीट्यूट इधर। तो भाई अब लोग जो सबसे मेन है ना इसका कि क्या होता है, तो भाई ये देखो, ये हमारे पास टिकट आ चुकी है, ये अनुसंधान केंद्र है, देख लो बस, साफ और सीधी बात, ज़्यादा बकवास। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ओए अब आगे उत्तराखंड पढ़ रहा होगा उसको ज्यादा पता है, जो उत्तराखंड पढ़ रहा होगा उसको ज्यादा ही पता है कि कितने म्यूजियम में क्या है। 1878 में इसकी वो हुई थी जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था एफआरआई की, और ये जो एस्टेब्लिश हुआ था ये उसमें आया 1906 में। बेटा भाई साहब देख लो भाई, अभी बहुत कुछ है भाई, वैसे हाँ बोलना नहीं चाहिए बट मतलब नॉलेज होनी चाहिए भाई, जहाँ भी जा रहे हो मतलब नॉलेज होनी चाहिए। इतना तो मुझे पता है कि भाई एफआरआई ऐसे घूमने के लिए नहीं है, म्यूजियम है इनके अंदर, और 7-8 म्यूजियम है, लगभग 6 म्यूजियम जैसे टिकट है 60 रुपये की टिकट है, मतलब एक बंदे की 60 रुपये की है। तो अभी बस हम लोग म्यूजियम में जा रहे हैं भाई, इतनी सारी हर जानवर की इतनी सारी स्पीसीज है ना अंदर, सोचो हर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, कहाँ पर लुप्त हो गई ये सारा। तो भाई दिखाएंगे, दिखा नहीं सकते, बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलो एक एक करके सारे म्यूजियम में घुसते हैं भाई, भाई कुछ तो बोल दे यार, भाई उसको बोल ले यार कुछ तो बोल। गाइस अभी ना हमने ना एक चीज़ देखी, लेकिन थोड़ा भी अजीब सा भी लगा, क्यों भाई, जहाँ मतलब उत्तराखंड के अंदर आ रहा है जैसे एफ आर आई, तो वहाँ पर ना जैसे पेड़ के बारे में लिख रखा कि कहाँ कहाँ पेड़, कौन कौन से पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं। हमने देखा मतलब वहाँ पर उत्तराखंड का कोई वो नहीं था, क्या बोलते, क्या नहीं था, पेड़ पेड़ ही नहीं था, जबकि कौन सा यार वो सब वो देखो काटने का मना है, चीड़ देवीदार के, देवीदार दुविदार के पता नहीं था ही नहीं, नहीं मारा भाई। चलो कोई नहीं भाई, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे है म्यूजियम 4 पर 3 होगा म्यूजियम पे, 3 से है, चलो म्यूजियम ये रहे, दो म्यूजियम थे इधर उधर है, तो भाई एक ही है म्यूजियम, एक ही है, तो दोनों इधर उधर है भाई, तो अंदर चलते हैं फिर मिलते हैं आपको। सो गाइस अभी जस्ट हम लोग क्या बोलते हैं सारे म्यूजियम से आ गए, 5 म्यूजियम थे, और ये देख सकते हो ये रही 5 म्यूजियम लिख रखे हैं इसमें, अभी दिखाई क्यों दे रहा, फोकस ही नहीं मार रहा, 5 म्यूजियम थे। तो भाई कोई पेड़ के लिए मशहूर था, कोई जानवर छोटी छोटी स्पीसीज के लिए, कोई भालू शेर चूता की खाल रखने के लिए, कोई पेड़ की जड़े जुड़े देखने, ये सब के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए सब मशहूर थे भाई, तो बस वही बात है। तो अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है, और भाई को भी छोड़ना ही है, सभी छोड़ रहे हैं भाई को, ओए सभी छोड़ रहे हैं भाई को, हम ही छोड़ देते हैं, चलते हैं हम भी निकलते हैं भाई यहाँ से।